हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी का ढोकला। उसके लिए हमने 2 कटोरी सूजी ली है और 1 कटोरी इसमें दही लिया है। और इसको हम मिक्स करके 2-3 घंटे के लिए रख देंगे। इसमें हम पानी भी मिला सकते हैं जितना ज़रूरत हो। मटेरियल थोड़ा पतला होना चाहिए। इसमें हम थोड़ा सा घी या तेल डालेंगे, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी हल्दी कलर के लिए। ये सारा मिक्स करके हम रख देंगे। तो 2-3 घंटे हो गया। अब इसमें 1 इनो का पाउच डालेंगे और साथ के साथ जो ओवन का बर्तन है उसमें हम थोड़ा सा घी लगा के उसमें डाल देंगे और 5 या 6 मिनट का हम ओवन में टाइम लगा देंगे। जब तक ढोकला बन के तैयार होता है तब तक हम तड़के का सामान रेडी कर लेते हैं। थोड़े से कड़ी पत्ते, हरी मिर्ची काट के रख लेंगे। चलिए, ढोकला बन गया है। इसमें आप नाइफ डाल के देखें, अगर ये नहीं चिपक रहा तो इसका मतलब ये बन गया है। चलिए ढोकले को निकाल लेते हैं प्लेट में उल्टा करके। चलिए, ढोकला एकदम स्पंजी तैयार है। अब हम इसके ऊपर तड़के का सामान डालेंगे। तड़का लगाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में थोड़ा सा तेल और उसमें कड़ी पत्ता, राई और हरी मिर्ची डाल दी है। उसके बाद इसमें पानी डालेंगे 1 गिलास और 4-5 चम्मच चीनी और थोड़ा सा नींबू का फूल और नमक डालेंगे। नींबू का फूल या सत्त इसमें खट्टापन लाने के लिए है। आप ताज़ा फ्रेश नींबू का जूस भी डाल सकते हैं, वो आपके ऊपर है। मीठा और खट्टा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 उबाल आने पर चीनी घुल जाएगी और तड़का आपका तैयार है ढोकले के ऊपर डालने के लिए। और ढोकले को ठंडा होने के लिए आप फ्रिज में रख दें, उसके बाद सर्व करें। हरी चटनी या सॉस के साथ आप सर्व कर सकते हैं। नारियल की चटनी भी बना सकते हैं। इसमें मैंने थोड़ा सा इसमें नारियल का बुरादा भी डाला है, सूखे वाला। आप फ्रेश नारियल भी डाल सकते हैं। ये सारा मीठा खट्टा जो चाशनी का वाला पानी है, ये ढोकला पूरा अपना सोख लेता है, तभी इसका टेस्ट अच्छा आता है। चलिए, ढोकला सर्व करने के लिए रेडी है। मैं आपको कट करके बताती हूँ कितना स्पंजी बना है ये, एकदम बाजार की तरह। कुछ लोग इसमें बेसन भी मिक्स करते हैं, आप बेसन भी डाल सकते हो 1-2 कटोरी सूजी में, बट मैंने रवा का ही बनाया है सिर्फ। ये देखिए बनके कितना बाजार जैसा स्पंजी है। मैं आपको इसको प्रेस करके बता रही हूँ, एकदम बाजार की तरह बना है। चलिए गाइस, बनाइए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कैसा लगा आपको ये रेसिपी। बिल्कुल आसान है, 5 मिनट लगते हैं बनाने में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। Yeah.